और इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है तो टाइटल आपने भी बता दिया जश्न चिले कलां, तो पहले चिले कलां से लोग डरते थे, आज हम चिले कलां को डरा रहे हैं, बस ये बच्चे बोल रहे थे। मैम कैसे लगा आपको यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लगा। तो मैम ऐसी बात है, ये इंस्टीट्यूशन जो है इसकी कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के हवाले से, इस किस्म के लोगों को, ऐसे लोग जो हैं जो एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं काफ़ी सुसाइड रेट बढ़ गया है, इसका मैंने ये सुनने में आया है कि थोड़ा देर से वहाँ स्टार्ट हुआ था सर्च ऑपरेशन, बट मुझे मालूम नहीं कल मैंने किसी सहमत से भी बात की, मैं अपने स्टेशन की होती हूँ, अब मैं और मेरे साथ ही अभी जाएंगे वहाँ पर देखेंगे, आप गाँव में से पूछेंगे, इतना डिले तो होना नहीं चाहिए, मैं इससे बात करूँगी। डिजास्टर मैनेजमेंट है उनका काम ये होता है, अगर उनकी तरफ से कुछ होगा डिले हुआ होगा या उनकी तरफ से वो सीरियसली नहीं ले रहे होंगे इसको, तो फिर देखेंगे बात करेंगे। तो वहाँ पर हम गए, ये मेरा साथी है, काम तो हमारे होते हैं, जो काम जितना हमसे हो सकता है हम काम कर रहे हैं। कस्बे के अलग है, कस्बे में तो आपको पता म्यूनसिपलिटीज होती है, रूरल एरियाज में जो है वो डीडीसीज बीडीसीज एंड पंचायत काम कर रही है, अब उनकी क्या नाराजगी है, किस हवाले से नाराजगी है वो तो देखना पड़ेगा, किसके शुभ नाराज। जबकि मुसलमानों को उस वक्त की हालात से गुजरना पड़ता था, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, उसके बाद लड़कियों के एजुकेशन पे फोकस करना और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाना मुसलमानों में, ये तो कुफर माना जाता था। काबा तक गए और वहां से उनके खिलाफ, और आज देखिए दुनिया की गिनी चुनी यूनिवर्सिटी में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिलेगी, जहां पर हमारी बच्चियां जो है क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रही है, और उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो एफर्ट कर सकती हैं जो गरीब बच्चे हमारे हैं वो बड़ी यूनिवर्सिटी उस अपने जनाब फहीम साहब को भी दावत